स्किल बैट्स हैं। अगर घर में एक ही कमाते हों बट उनकी इस्तेदाद घर के चार अफराद के लिए अलग अलग कुर्बानी दे सकते हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग देना जरूरी है या एक ही काफी रहेगी? जजाकल्ला खैर। बारकलफीक। एक हदीस मैंने पहले जिक्र की है और वो है कि जो आदमी इस्तेआत पाए और इसके बावजूद कुर्बानी ना करे, मन वजदा सिया फलम युदह फला यकरुबन्ना मुसल्लान, सुनन इब्न माजा, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन दारकुतनी और सुनन कुबरा बहकी की हदीस है। जो इस्तेआत पाए और फिर कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब रहा मसला ये कि आदमी के पास इस्तेआत है और घर में एक कमा रहा है, लेकिन उस घर में उसके बेटे, उसके भाई, दो तीन चार लोग और भी हैं और वो भी कमा रहे हैं, लेकिन चूल्हा एक है, अकाउंट एक है, यानी एक छत के नीचे वो सारे रह रहे हैं। अगर वो सिर्फ एक कुर्बानी कर दें तो काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शाद है, अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन उधिया, हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी है, एक कुर्बानी है। ये है किफायत वाली बात कि वो सारे लोगों से किफायत कर जाएगी जो कि घर के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं। ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, एक चूल्हे पर, यानी अकाउंट भी अभी बड़े मियाँ के पास है और चूल्हा भी अभी घर में एक ही जलता है, उसी पे सब की रोटी पकती है और उसी किचन से तैयारी करके सारे लोग खाते हैं, तो ये गोया के इकट्ठे हैं, भाई साथ हैं या बेटे बड़े साथ हैं, तो इनकी तरफ से एक कुर्बानी काफी है। अब काफी और किफायत का लफ्ज का माना ये कि अगर वो एक कर देंगे तो अब गुनाहगार नहीं रहेंगे, लेकिन अगर दो तीन बेटे भी कमा रहे हैं या दो तीन भाई साथ में हैं वो भी कमा रहे हैं, तो ऐसे में बेहतर ये है कि वो एक पर किफायत ना करे, थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाए, दो तीन चार जितनी मुमकिन है अपनी सेविंग के हिसाब से। कभी ऐसा भी होता है कि दो तीन चार कमा रहे हैं लेकिन बस गुजारा हो रहा है, एक दे दें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह, लेकिन दो तीन चार कमा रहे हैं, ढेरों पैसे हैं, बैलेंस है, ये है वो है, मजे से जिंदगी गुजर रही है, तो वो कुर्बानी देते हुए घबराए नहीं। ये बहुत ही बड़ा अजर, बहुत ही बड़ा अमल है, ये देनी चाहिए और वो फिर एक की बजाय जितना भी ज्यादा कर सके उतना ज्यादा करें तो उनके लिए